पिछले साल अराउंड दिस टाइम फेसबुक का स्टॉक प्राइस थ्री हंड्रेड डॉलर से ज़्यादा था विद अ पीक ऑफ थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स डॉलर्स लेकिन इस साल फेसबुक का स्टॉक प्राइस गिरे जा रहा है कुछ दिन पहले तक नाइन्टी समथिंग डॉलरस था अभी हंड्रेड एंड टेन डॉलर्स के आसपास है सो so, फेसबुक का स्टॉक प्राइस वन थर्ड या वन फोर्थ की हो गया लेट्स अंडरस्टैंड सो बेसिकली मेटा मेटावर्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है बहुत पुश कर रहा है मेटावर्स को लेकिन मेटावर्स शॉर्ट टर्म में उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करने वाला मेटा Meta, मेटावर्स में जो पैसा डाल रहा है वो पैसा आता है उनके एडवर्टीजमेंट बिजनेस से और वो एडवर्टीजमेंट बिजनेस काफी अफेक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन अगर फेसबुक ऐसा कंपनी ज्यादा रेलिवेंट एड्स ऑफर कर सकते हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा लेकिन पिछले साल एपल ने एप्पल ट्रैकिंग प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया एंड बिकॉज ऑफ दैट फेसबुक का वो ट्रैकिंग करने का पावर घट गया सो ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा रेलिवेंट एड्स नहीं सर्व कर पा रहे एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका रेवेन्यू भी उसके कारण अफेक्टेड हुआ है नंबर फोर टिकटॉक इंडिया में टिकटॉक बैन है लेकिन डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में टिकटॉक अभी भी अवेलेबल है एंड टिकटॉक का एक क्रेज है अमंग टी एजर्स एंड ऑल्सो जेनजी सो फेसबुक हैज़ नॉट बीन एबल टू मॉनिटाइज दैट ग्रुप ऑल्सो पिछले साल अराउंड नवंबर इंडियन इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैसे जियो वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल इन लोगों ने अपना दाम बढ़ा दिया सो so पहले जिस प्राइस में लोगों को दो जी बी पर डे डेटा मिलता था अभी उस प्राइस में उन लोगों को डेढ़ जी बी मिलता है सो पीपल आर मोर कॉन्शियस ऑफ वेयर दे स्पेंड दैट डेटा वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो वीडियो को सेव कर लो और आई एम गेसिंग कि आपने ऑलरेडी फॉलो कर लिया होगा मेरे को